हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरे प्याज की कढ़ी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। हम एक बाउल लेंगे, उसमें 5 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे जो कि छना हुआ है। अब हम डालेंगे 1 कप छाछ। यहाँ पे आप दही भी यूज़ ले सकते हैं, अगर आप दही यूज़ लें तो उसे फेंट लें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े, अच्छे से इसे मिक्स करना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर कढ़ी ज़्यादा थिक हो जाए तो हम पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 1/4 टीस्पून दाना मेथी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून राई डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और इन्हें तड़कने देंगे। अब हम इसमें 1 कटी हरी मिर्च डाल देंगे और जो हमारे हरे प्याज थे 1/2 कप वो डाल देंगे और उन्हें मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा पक जाएंगे तब हम इसमें हमारा बेसन और छाछ वाला घोल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें उबाल आने लगा है, अब हम इसे चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। चलाते रहना है हमें इसे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। हर 2-3 मिनट में हमें इसे चलाते रहना है। अब देखिए कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और साथ ही 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम इसमें 4 से 5 करी पत्ते डाल देंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के तड़के को तैयार कढ़ी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।